व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम अश्विन सिंह एंड यू आर वाचिंग अश्विन साइड। लास्ट ईयर से लगता है एप्पल भी फोल्डेबल फ़ोन की रेस में आ चुका है। सैमसंग, हुआवे, मोटो, इन सब के बाद एक लीक आया है कि एप्पल भी चाइना में अपने फोल्डेबल फ़ोन्स की टेस्टिंग कर रहा है। 2019 में अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी इनिशियल फेज में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022-23 तक एप्पल अपने फोल्डेबल आईफोन्स लॉन्च कर सकता है। ऐसा लगा जाए काफ़ी हद तक ये गैलेक्सी फ़ोन आया है, मुझे कोई भी प्रिसाइजली परफेक्ट फ़ोन नहीं आ पाया। गैलेक्सी फोर जेड टू काफ़ी हद तक बहुत सही फ़ोन था, उसके फ्लिप थी, उसकी प्रॉब्लम नहीं आई है, बट तब भी एक जो एप्पल वाली बात होती देखते हुए अपने फोल्डेबल फ़ोन से भी ला पाता है कि नहीं। और यहाँ एक और नई न्यूज़ है, टेस्ला। यस, टेस्ला इंडिया में 2021 में अपनी अर्ली बुकिंग स्टार्ट करने वाली है। एज एक्सपेक्ट अगेन मेट 2021 तक वो डिलीवरी भी स्टार्ट कर देगी। हमारे मिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये ऐसा इन्फॉर्म किया है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। एंड ऐसी मैंने कहीं हिंट सुनी थी कि जो फर्स्ट 3 मंथ में स्टार्टिंग बुकिंग कराएंगे उनको टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम होता है वो फ्री मिलेगा, अराउंड $10,000 का अकाउंट कन्फर्म, अराउंड $10,000 का वो सॉफ्टवेयर आता है उनको फ्री दिया जाएगा। अब देखते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर क्या रहता है। अभी जून जुलाई तक इलेक्ट्रिक कार आ जाती है तो उनका चार्जिंग सेशन कैसा रहेगा, वो क्या रहेगा, किस मोस्ट मर्सी वो किस प्राइस में आती है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा लगेंगी, जिससे उसका प्राइस बहुत अच्छा खासा होने वाला है। स्टार्टिंग 55 लाख एस्टिमेट की जा रही है, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि क्या होता है। आज 2 की न्यूज़ थी, एप्पल फोल्डेबल आईफोन एंड टेस्ला मॉडल 3 इन इंडिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।